हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि थोड़े से अलग होने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। आपको 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो में आपको उतने क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और क्लियर एंड कट बात एक और मैं आपको बता दूं कि इन सब वीडियोस के पीडीएफ जो आप डिमांड कर रहे हो ना, वीडियो पीडीएफ मतलब, या यू कह लूँ क्लास पीडीएफ, ठीक है। मुझे पता है कौन से लोग डिमांड कर रहे हैं इसकी, क्यों चाहिए उनको, ताकि आप दोबारा से इसी पीडीएफ को लेके जो क्लास चल रही है आप उसको दोबारा से अपने जाके टेलीग्राम पे अपलोड कर दो और उसको फिर आप वापस से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ और पैसे लूटो। यही करने के लिए मांग रहे हो ना भाई, कर लो अपना कुछ ढंग का काम। चोरी चमारी में कुछ नहीं रखा, ठीक है। अदरवाइज बढ़िया लग रहा है, करो, नो प्रॉब्लम। चाहो तो उतना से क्यों रख रहे हो, मेरे पीडीएफ को ही क्यों बेच रहे हो वापस से। तुम चाहो तो मेरी वीडियो को, ये यूट्यूब पे वीडियो डल रही है ना, इसका एक काम करो, अपना चैनल बना लो, ठीक है। एक चैनल बना लो, मेरे नाम से ही बना लो, और इस वीडियो को ही डाउनलोड कर करके और अपने पे अपलोड कर दिया करो। मैं नहीं डालूँगा कॉपीराइट, ठीक है, मैं कॉपीराइट नहीं डालने वाला भाई। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं तुम्हारे, एक इस काम के पीछे अगर मैं दिन रात लगा दूँ खुद को तो हो गया फिर सारा काम। मैं तो बता रहा हूँ, तरीका बता दिया मैंने, एक चैनल क्रिएट कर लो, मेरे नाम से ही बना लो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड से ही। जितने वीडियोस में डाल रहा हूँ सब में आपको डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाते हैं, डाउनलोड कर लो वहाँ से, सेम को अपलोड कर दो अपने चैनल पे। मैं एक पे भी कॉपीराइट नहीं डालूँगा, ठीक है। और क्या चाहिए, मैंने तो खुद से तरीका भी बता दिया अब तुमको। वैसे पैसे कम पड़ रहे होंगे, तो जो लोग ये कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, करते रहो, मेरा उससे 1% का भी कुछ नहीं होने जाना, ठीक है। उतना मैंने खुद को प्रिपेयर कर रखा है कि भाई उतने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको जो करना है कर लो। हाँ, बस पब्लिक को चूतिया मत बनाओ, ठीक है, एंड डोंट फोर्स मी टू डू सच टाइप्स ऑफ वर्क दैट आई डिडंट वांट, ठीक है। एक तो आप, चलो कुछ लोग तो ठीक है यार, एक मिनट, 2-3 मिनट अगर बात हुई है तो इसके बारे में कर ही लेते हैं। देखो, कुछ लोग तो क्या है कि सेम मेरी पीडीएफ को उठा के सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग उसे मॉडिफाई करके कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग मेरी फ्री पीडीएफ जो अवेलेबल है टेलीग्राम पे उसको सेल कर रहे हैं। अब कुछ और नए नए लोग का पता चला है जो इंटरनेट से फ्री मटेरियल डाउनलोड करके उसे सेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है ना, स्टूडेंट्स को चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा आप लोग ने से, आप लोग में से बहुत सारे लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे उनको डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा नॉलेज होगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ डिमांड होगी सप्लाई वहाँ होगी होगी। आदमी भूखा मर रहा होगा तो आदमी कुछ खाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। सेम वही हाल है आज का, कैंडिडेट्स को चाहिए, लोग उनको उसके नाम पे कुछ भी दे रहे हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेने वाले ले रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो करना है आप लोग करो, ठीक है। बस आपको पीडीएफ मिल चुकी है, आप बेचो। कुछ लोग इसी को 400 में दे रहे हैं, कुछ लोग इसी को 300 में दे रहे हैं, कुछ लोग इसको 199 में दे रहे हैं, कुछ लोग 500 में दे रहे हैं। चलो बढ़िया बात है। और उसके बाद अभी तो मैं रिवील नहीं करना चाह रहा ना, मैं रिवील नहीं करूँगा, ये सब का आदतें मेरी नहीं है कि मैं आपके नाम को लेके आपको और बड़ा बना दूँ। कुछ तो एक आध यूट्यूब चैनल वाले भी हैं, उनका धंधा ऑलरेडी बढ़िया चल रहा था, बट नहीं, उनको दूसरों में टांग अड़ाना है, अड़ा लो। और एक बंदे से कल बात हुई, तो मैंने तो टेलीग्राम पे भी डाल रखा है वैसे, चलो उसका भी कोई मतलब नहीं है डालने का, बट चलो ठीक है, माइंड थोड़ा फ्रस्ट्रेट था उस टाइम, मैंने डाल दिया। तो भाई, डोंट फोर्स मी टू टेक योर नेम आउट, उससे क्या होगा ना, मेरा कुछ नहीं जाएगा, उससे तुमको तुम्हारा चैनल बंद करना पड़ जाएगा, तुमको तुम्हारा नंबर बंद करना पड़ जाएगा, तुमको तुम्हारा अकाउंट बंद करना पड़ जाएगा,
अगर मैंने रिवील कर दिया तो आई हैव योर नंबर, ठीक है, बट नहीं करूँगा। जो आप लोगों जितने पैसे छापने छाप लो, मुझे एक फ़र्क नहीं पड़ता, बस कम से कम सही चीज़ें दो पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, बेवकूफ़ मत बनाओ, फ्री मटेरियल्स के पैसे मत लो। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे पीडीएफ मैंने तुमको दे दी तुम मत, वो भी गलत है, पर ठीक है, वो करना है, तुम्हारी मर्ज़ी है, करो। तुमने शायद बचपन से यही चीज़ें करना सीखी होंगी, खैर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट बेवकूफ़ मत बनाओ किसी को, लोग भरोसा करते हैं ना भाई, यूँ ही नहीं मिल जाता किसी को, लोग भरोसा करते हैं। एनीवे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं यार, चलो कोई नहीं। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है मैं क्यों नहीं डाल रहा ये सब, पहले जब मैं डाल रहा था ये सारी वीडियोस, जो भी क्लास चल रही थी क्लास पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दे रहा था, अब मैं क्यों नहीं डाल रहा, मैं नहीं डाल रहा बस इसी कारण से, क्योंकि मैं तो ये आपको फ्री में दे दूंगा, कुछ लोग वहाँ से इसको उठाएंगे, इसमें मस्त थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे हाँ मटेरियल ये है वो है, और साथ में इसको सेल कर देंगे, सेम पीडीएफ जिसकी मैं क्लास करा रहा हूँ ना इसको। अरे भाई तो एक और उपाय बता दूँ, इसको तुमको सेल करना है ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई, यहाँ स्क्रीन पे तुमको दो क्वेश्चन तो नज़र आ ही जाते हैं, एक स्क्रीनशॉट लोगे दो क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में आपको लगभग 17 स्क्रीनशॉट में काम चल जाएगा, पीडीएफ फाइल बना लो वहाँ से तुम लोग सेल कर लो। चलो खैर बहुत बातें हो गई बेकार सी, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, जिनको जो करना है करने दो। आप लोग को बता दूं, जिन जो जेन्यून है, मतलब जो जेन्यून कैंडिडेट्स हैं जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है, जिनको बिज़नेस नहीं करना, चीप टाइप बिज़नेस आपको नहीं करना है, तो आप लोग, मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास से ही लो, आपको जहाँ से अवेलेबल है वहाँ से ले लो ठीक है। मैंने तो अगर सिर्फ मुझे मेरे से ही सेल करवाना होता ना तो मैं आपको बुक्स की वीडियो नहीं बताता, मैं तो खुद कह रहा हूँ यार बुक्स मेरी मटेरियल से ज़्यादा बढ़िया है, बुक्स जो पब्लिकेशन स्वामी और नाभी की है वो लोग ज़्यादा बेटर लिखते हैं ठीक है, तो आप उनसे ले सकते हो, आप एक्स वाई जेड जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनसे ले सकते हो, बट ठीक है एक बार क्या करना ना, पीडीएफ लेने के पहले आप पैसा पे करते हो ना, मैंने अपने चैनल पे अपने मटेरियल्स के वीडियो डाल रखे हैं जो जो मेरे पास हैं, मैंने एक वीडियो में बता रखा था ये है मेरे पास, उसमें मैंने हर एक पीडीएफ को खोल के दिखा रखा है। वैसे ही आप जिनसे भी लो उनसे आप या तो पहले सैंपल की डिमांड कर लो, भाई मुझे सैंपल दिखा दो, कम से कम एक दो तीन पेज तो देख ही लेना, उसके बाद ही लेना, उससे आपको क्या होगा अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई ये आपको प्रोवाइड सही में हो रहे हैं या कहीं से कॉपी कट एंड पेस्ट और डाउनलोडेड मटेरियल आपको कहीं से बस दे दिए जा रहे हैं ठीक है, पता तो आपको चल ही जाएगा। ये सब मेरे वीडियो में या आपको वाटरमार्क नज़र आएगा कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड का, आप लोग पेजेस का डिमांड करोगे तो आपको वो दिख जाएगा ठीक है, अदरवाइज़ आपको जहाँ से भी मिल रहा है आप वहाँ से ले सकते हो। मैंने आज तक जितनों को भी दिया है मैंने कभी उनसे ये फोर्स नहीं किया, हालांकि अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँ ना कल के चैट का, या एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास तो वो मैं दिखा दूँ, उसमें फर्स्ट मैसेज जाते ही ना लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मैं आपको हाफ रेट में दे दूँगा, मैं आपको इसमें दे दूँगा, मैं आपको उसमें दे दूँगा, आप ले लो आप ले लो आप ले लो। जितने लोग भी मुझसे लिए होंगे एक ने भी अगर ऐसा बोल दिया ना कि भाई मैंने इस तरीके से मैसेज किया, मेरे पास तो सारे नंबर पड़े हुए हैं जितनों ने लोग ने भी लिया है, मैं तो उस पर भी एक वीडियो बना दूँ, बट नहीं ये सब क्यों करना ठीक है। तो उस पर क्या होता कि वैसे मत क्या करो, आप लोग के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप लोग फूल ना बनोगे, सैंपल मांग लिया करो, सैंपल के बाद ही आप लोग परचेस करना एक्स वाई जेड जहाँ से भी करना है ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, दूसरों का नाम ख़राब करके क्या ही होना है ठीक है, जो लोग जैसे कर रहे हैं उनको करने दो एज इट इज़, उनके फ़ायदे कुछ उनको फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है लेने दो उनको फ़ायदा, बट आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट ही कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। देखिए आज के जो वीडियो में हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हालांकि आपका कंडक्ट रूल से ही है, गवर्नमेंट सर्विस रूल के अंदर जो आता है ठीक है, कुछ ये सब सारे क्वेश्चंस आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले भी कर रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें नए मिले हैं ठीक है, नए नए क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैंने एक बार वीडियो के फॉर्म में देना सोचा कि चलो भाई जो भी क्वेश्चन रह गए होंगे वो हो जाएंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये तो होगा, द डेट ऑन विच सीसीएस लीव रूल 1972 केम इनटू द इफेक्ट इज, कौन सा, 1 जनवरी, 2 अप्रैल, 1 जून और 15 अगस्त। ईयर सबका सेम ही है, 1972 1972। ये तो आपको याद रहेगा कि लीव रूल कब आया था, 1972 को आया था। कब आया था तो आप याद रखोगे, 1 जून को आया था। सीसीएस लीव रूल 1972 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा चीज़ है जिस पर सीसीएस 1972 एप्लीकेबल नहीं होता है। पर्सन अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज, एम्प्लॉय ऑफ द नॉन स्टेचुचरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू सबॉर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्सन पेड फ्रॉम द कॉन्टिजेंसीज। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है, ये इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। Which of the leave rules would apply if government servant is temporarily deputed for a foreign service in India? इनमें से कौन सा leave rule उस पर apply होता है, कौन सा हो जाएगा, CCS leave rule 1972 उन पर apply होगा। Question number 4, what is the maximum number of days in respect of EL, HPL that can be incassed by a government servant appointed in industrial establishment which is governed by Factories Act 1948? कितना होगा, 300 days, ठीक है। When a government servant applies for a specific kind of leave, the leave sanctioning authority does not have the power to alter, ठीक है। Next, a government servant ceases to have any claim for leave to his credit if he has resigned to have another appointment in government services, retired, being dismissed or been reinstated। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, being dismissed। Next, if a government servant claims for commutation of a one kind of leave into another, he should apply for a commutation within period of 30 days, ठीक है। पीरियड आप लोग याद रखो कितना होगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर 30 days। Next, EL can be combined with, EL किसके साथ combined किया जा सकता है, तो ये combined किया जा सकता है sick leave, half pay leave और maternity leave के साथ। कैजुअल लीव कैन बी कम्बाइंड विथ, कैजुअल लीव जो है, जो सी एल होगा आपका, वो किसके साथ कम्बाइंड किया जा सकता है, वो हो सकता है आपका स्पेशल कैजुअल लीव के साथ। विच लीव कैनॉट बी कम्बाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, कौन सा ऐसा लीव है जो दूसरे किसी भी लीव के साथ कम्बाइंड नहीं हो सकता है, तो वो होगा आपका कैजुअल लीव। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी kind which can be allowed to a permanent government servant 2 years, 90 days, 5 years, ठीक है। Leave account of gazetted government servant shall be maintained by, एक gazetted government servant का leave account जो है वो किसके द्वारा maintain किया जाता है, तो वो किया जाता है head of office के द्वारा। No leave shall be granted to government servant if he is, किसी भी government servant को तब कोई भी leave grant नहीं किया जाएगा अगर on leave preparatory to retirement, under suspension, to work as an examiner, to visit abroad with proper permission, अगर वो suspension में है तब उनको किसी भी तरह का leave grant नहीं किया जाएगा। A gazetted government servant who is a CGHS beneficiary is required to submit a medical certificate for grant of leave on medical grounds issued by a RMP, AMA, doctor in CGHS dispensary or doctor working in private nursing, private nursing home, तो आप प्राइवेट से तो कोई लेना देना नहीं होगा, इसी डिस्पेंसरी में जो डॉक्टर काम कर रहे होंगे उन्हीं से इशू हो सकता है। नेक्स्ट, द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन वेव द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अदर एप्लीकेशन फॉर लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इफ द पीरियड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर इज लेस देन 7 days, 3 days, 10 days और 30 days, तो ये होगा आपका 3 days। Mention the maximum number of months of leave that can be sanctioned by the medical authority if he is unable to say with certainty that the government servant will never again be fit for service. 1 month, 6 month, 8 month and 12 month. Iska kya ho jayega answer aapka? 12 month. If an official is recalled to duty before expiry of his leave, he may be treated as on leave period, on duty, absent or none of the above. Treated as on duty. Absence of a government servant after expiry of leave shall be debited to his leave account as dash to the extent such leave is due. Half pay leave. इसमें क्या आ जाएगा आपका? Half pay leave. What is the maximum number of days of EL that can be held at credit by a government servant? Maximum number of days कितना हो सकता है? 300. Next. Dash number of days of earned leave are credited in advance to the leave
अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी टू जुलाई कितना होगा 15 डेज. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल दैट कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट अ टाइम इन वन स्पेल 180 डेज. ठीक है, एट अ टाइम ऑफ कितना, वन स्पेल पे 180 दिन. हाफ अ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम, हाफ ए डे किस लीव से लिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है आपका सिक लीव से, जिसे आप SL बोलते हो. EOL is granted to government servant only when no other leave is admissible or on request, when government servant is on notice period of VRS before supernation or none of them. ये कब होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, when no other leave is admissible or on request. Encashment of earned leave of up to 10 days at the time of availing LTC is permitted provided a balance of dash days of EL is available at the credit of a government servant. कितना हो जाएगा इसमें आपका, आंसर हो जाएगा आपका 30 days. Government servant are not entitled to leave salary while availing half pay leave, commuted leave, extraordinary leave or child care leave. ये हो जाएगा आपका extraordinary leave. Paternity leave is allowed for dash days. ये allow होता है आपका 15 दिनों के लिए. The maximum period of CCL that can be availed by a woman government servant during her entire services कितना होगा, 730 दिन, मतलब लगभग 2 साल. ठीक है, child care leave is admissible if the child is below. child care leave कब मिलेगा आपको, जब बच्चा below हो किसके, 18 years के. next, in a calendar year CCL cannot be granted for more than 3 times. एक साल में 3 से ज़्यादा बार आपको CCL नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा. CCL shall be admissible for 2 eldest surviving children only. ठीक है, CCL होता क्या पता है ना आपको, चाइल्ड केयर लीव 2 eldest surviving children only. किन के लिए एडमिसिबल होगा, 2 eldest. CCL may not be granted for less than dash days 15 days. What is the maximum amount of study leave which can be availed by a government servant other than CHS officers in entire services? 24 months is equal to 2 years. ठीक है, याद रखोगे. Combination of study leave with earned leave shall not be generally involve a total absence of more than 28 months. ठीक है, याद रखोगे इसमें कितना होगा, 28 months. चलिए, तो इस वीडियो में आपके 33 क्वेश्चंस थे टोटल, 33 क्वेश्चंस थे, 33 क्वेश्चंस थे. चलिए, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग YT प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिएगा, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में डल जाते हैं, वीडियोस कहीं से भी किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. जो लोग अभी, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग बिगनर हो तो आप लोगों को क्या मटेरियल लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, देखिए मटेरियल थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस जो क्वेश्चंस वाले PDF हैं वो भी लेंदी है, और जो थ्योरी वाली है वो भी लेंदी है. तो अब आपका आज हो गया है 3 तारीख और आपका पेपर अगर 18 तारीख को है तो 15 दिन के अंदर आप पूरा पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा. तो आप अगर सिर्फ चैनल के पूरे वीडियोस सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स वाले, पटना एम्स वाले या भोपाल वाले कर लोगे तो उससे आपको मोर देन इनफ होगा. बाकी आपके जो पार्ट वन के सेक्शन है उस पर तो आपको काम खुद से ही करना है, पार्ट वन वाला जो जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, GK GS और आपका कंप्यूटर आ रहा है वो तो आपको करना ही होगा. और दूसरी बात, अब जबकि ये सब सारे चीज़ें चल रहे हैं, जो बिजनेसेस कर रहे हैं ना लोग, उसके कारण अल्टीमेटली हुआ क्या है वो बता रहा हूँ. इसकी बातें तो हमने बहुत कर ली, अल्टीमेटली हुआ है आपका कंपटीशन जो है उसका लेवल काफ़ी अप हो गया है. ठीक है, कंपटीशन जो है वो काफ़ी ऊपर हो गया है. तो अब मजाक में ना लीजिएगा, आप लोग जितने भी हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग ने अप्लाई किया है, चाहे वो कोई सा भी पोस्ट हो, चाहे वो SK हो, चाहे अदर, इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्टेज हैं, वहाँ बहुत ऊपर चला गया है कंपटीशन. ठीक है, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा फिलअप हो चुके हैं. तो इस बेसिस पे आप लोग तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा. ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में. जो भी हम लोग PDF मटेरियल प्रोवाइड होगा, मतलब इन द सेंस वीडियोस के लिए, उसमें जितने भी मुझे लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन डलने चाहिए तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा. ठीक है, बाकी आप लोग को चैनल से जुड़े रहिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू.